हेलो एवरीवन, मेरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अभी जैसे नवरात्रि अभी ख़त्म हुई है, तो जो नारियल होता है उसको आप ऊपर से ये सब तोड़ दीजिए, उसको छील दीजिए। अब ये छिल गया, अब छिल गया तो आपको यहाँ दिख रहा है, देखिए तीन तीन काले स्पॉट दिखाई पड़ रहे हैं, एक दो और ये तीन, ठीक है। ये देखिए तीन आंखें जैसी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि नारियल जो है वो मोनोकॉट है। हम लोग बायोलॉजी में पढ़ाते हैं कि ये मोनोकॉट है, तो मोनोकॉट की वजह से इसमें तीन ही, हर चीज़ें तीन ही तीन होती हैं। अब इसमें तीन धारियां भी दिख रही हैं आपको, ये एक, तो ये एक धारी, दूसरी ये दिख रही है, और तीसरी ये तीन धारियां दिख रही हैं इसमें। तो इसको आसानी से यहां से ही तोड़ा जा सकता है आराम से, पर तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको पानी पहले निकालना है, तोड़ेंगे जब इसको, तो इसको इस तरह तोड़िए, ऐसे नहीं तोड़ना है। ऐसे अगर तोड़ेंगे तो पानी सब लीक कर जाएगा। तो क्या करना है हमको, ये जो तीन काले आपको मैंने स्पॉट दिखाए यहाँ पर, देखिए ये वाला, ये इसको मैंने खाली उंगली से दबाया, ये देखिए जोर से, ये तो ये गड्ढा हो गया, टूट गया, ये ऐसी सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा। ऐसे दूसरा वाला देखिए, ये दूसरा, इसको भी जोर से दबाया तो गड्ढा नहीं हुआ, इसको भी नहीं हुआ, मुश्किल है। तो क्या करें हम, इसको ऐसे करके नाइफ लेके चाकू से इसको छेद कर दिए, हो गया। देखा आपने आवाज़ आई इसकी, यहीं से टूट गया। ऐसे दूसरा वाला दूसरा वाला भी ऐसे टूट जाएगा, थोड़ा मुश्किल है। तीसरा वाला एक एक सेंसिटिव होता है, एक अगर टूट गया तो ये देखा अंदर से गिरी निकल आई थोड़ी सफेद, ये निकल आई थोड़ी गिरी निकल आई। बस इसको अब पानी इसको लीक नहीं किया, ये गिलास लीजिए यहां से ये रहा, और बस इसको ऐसे करके निकाल लीजिए, देख रहे हैं। देखा पूरा खाली हो गया, आराम से इसको पी सकते हैं, बहुत बढ़िया। और चाहें तो यहाँ इसी में स्ट्रॉ लगा के भी इसको पिया जा सकता है। तो ये सबसे बहुत बढ़िया तरीका है नारियल को बिना तोड़े ही पानी निकालने का, सबसे बढ़िया तरीका है। अब अगर इसको तोड़ना है तो मैंने तीन बताई थी धारियां, एक इधर, दो और इधर तीन। यहां से अगर मारेंगे, अभी मैं इसको बाद में आपको दिखाऊंगा अगले वीडियो में, जोर से मारेंगे तो ये टुकड़े हो जाएंगे इसके आराम से। और आराम से इसको धीरे धीरे ठोकिए ऐसे करके, और ठोकने से पूरी गिरी निकल आती है। ये छोटा सा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।